मेरे हाथ में अखबार का कुछ पन्ना है, आप सभी देख सकते हैं, और मेरे बगल में मेरी माँ है। घर पे पुलिस वाले जाते हैं और कहते हैं कि बेटा को हाजिर कराइए, गिरफ्तार करवाइए, हाजिर करवाइए। तो चलिए ठीक है, मैं गिरफ्तारी दे रहा हूँ और जेल जा रहा हूँ। मैं मम्मी के साथ बैठा हूँ और देख सकते हैं ये आप लोग, 21 फरवरी का अखबार में छपा हुआ है, फिर 26 फरवरी का छपा हुआ है अमर उजाला में। बिहार के नेताओं ने बिहार के मजदूरों के बारे में 28 फरवरी को, जो आरजेडी के नेता हैं डॉक्टर अनिल साहनी, उन्होंने पोस्ट किया था, पप्पू यादव ट्वीट किया था 28 फरवरी को। उसके बाद से ये प्रभात खबर का जो है वो 1 मार्च को आप देख सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में दिखाया, ये हिंदुस्तान में छपा हुआ है, ये प्रभात खबर में छपा हुआ है, ये दैनिक भास्कर में छपा हुआ है। लेकिन इन सब से कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, सवाल सिर्फ और सिर्फ मनीष कश्यप से कि क्यों 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 क्यों। आज घर वाले भी परेशान हैं, मेरे पापा परेशान हैं, मेरी माँ परेशान है कि आखिर ऐसा किया क्या है मैंने। तो मैं अपनी मम्मी के सामने कहना चाहता हूं कि मैंने कुछ गलत नहीं किया है और भगत सिंह ने भी कुछ गलत नहीं किया था। बस हम लोगों ने अनेकों माओं का आंसू पोंछा है, उम्मीद है कि बिहार में मेरे माँ के आंखों में भी आंसू नहीं आएगा और आप लोग नहीं आने देंगे, उम्मीद है। क्या होगा, कुछ दिन की बात है, सरकारें जो है कैद करके रखेंगी, विचारों को कैद करके थोड़ी रख सकती है। मैंने अपने लिए लड़ाई थोड़ी लड़ा है, मैंने अपनी माँ के लिए थोड़ी लड़ा है, मैंने अपने पिताजी के लिए थोड़ी लड़ा है, अपने भाई के लिए थोड़ी लड़ा है, मैं लड़ाई लड़ा हूँ बिहार के लिए। मेरे अकाउंट में 42 लाख रुपया मिला है, अकाउंट में 42 लाख रुपया पकड़ा नहीं जाता है, अकाउंट में लोग पैसा रखता है, उसको भी ना जाने किस प्रकार से जो है वो पेश किया गया। बस बिहार के लोगों से विनती है कि आप लोग जो है चीजों को समझेंगे और चलिए एक लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं गलत सिस्टम के खिलाफ, और इस लड़ाई को जीतेंगे। और सिर्फ ये लड़ाई जो है मुझे अपनी मम्मी के लिए नहीं जीतना है, मुझे अपनी माँ के लिए नहीं जीतना है, ये लड़ाई जो है हर बेटा को अपनी माँ के लिए जीतना है, हर बिहारी को अपनी माँ के लिए जीतना है, और पूरे बिहार को जो है बिहार माँ के लिए जीतना है, सबको। मुझे पता है कि मैं गलत नहीं हूं, लेकिन चूंकि आप सभी को पता है कि कानून के आंख पे पट्टी है, कानून अंधा है, आप सभी को पता है, लेकिन अंधा कानून जो है न्याय करता है, आज नहीं तो कल न्याय तो होता है। लेकिन सिस्टम में बैठे हुए लोग, पॉलिटिशियन, नेता, जब वही लोग अंधे हो जाएंगे तो फिर न्याय कैसे, न्याय का उम्मीद कैसे करेंगे हम लोग। रोज ना जाने कितनी माओ के आंखों में आंसू आ रहा है बिहार में, ना जाने कितनी माओ के बच्चे जो है बेवजह मजदूर बन जा रहे हैं बिहार में, सबको पता है कारण क्या है। चलिए ना इस कारण को जानने का प्रयास करते हैं और इसी समाधान को ढूंढने का प्रयास करते हैं। मेरे ऊपर और भी केस है, स्टूडेंट के लिए लड़ा उसमें केस हुआ, एक हरिजन व्यक्ति थे उनके बेटे के दिल में छेद था, वो इलाज के लिए बैंक में पैसा रखे हुए थे, वहां से पैसा जो है इधर उधर हो गया, उसके लिए लड़ा, मेरे ऊपर केस हुआ, आचार संहिता का मेरे ऊपर केस हुआ, यही सब तो केस है। एक अंग्रेज का मूर्ति तोड़ने का केस है मेरे ऊपर, जो अंग्रेज हमारे चंपारण में लोगों से नील की खेती करवाते थे। लेकिन आप सभी को पता है कि इन सभी चीजों पे चर्चा करें या ना करें, लेकिन बिहार की बर्बादी पे आज हम लोगों को चर्चा करना होगा। आखिर बिहार के मजदूर दूसरे राज्यों में जाके क्यों मार खाते हैं, क्या ये बात गलत है? अगर गलत है तो ये सारे अखबार गलत है, गलत है तो वो सारे मजदूर गलत है जो रेलवे स्टेशन पे आके जो है उन्होंने बोला, गलत है तो वो सारे रिकॉर्डिंग गलत है जिन्होंने फोन करके अपनी बातों को बताया, गलत है तो हर माँ का आंसू गलत है जो अपने बेटे के लिए बहा रही है और उम्मीद कर रही है कि मेरा बेटा जो है बिहार में पैदा हुआ है तो राजा बेटा बनेगा, बिहार में उसे किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होगा। हर माँ का बेटा जो है वो बिहार से बाहर इलाज कराने के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, बिहार से बाहर शिक्षा के लिए जा रहा है,
बिहार से बाहर रोजगार के लिए जा रहा है, क्यों ऐसा क्यों? और इसी चीज को तो बदलना है। बस मम्मी से मिल लिया और अब जेल, उसके बाद से देखा जाएगा। फिर उम्मीद है कि आप लोग जो है खड़े रहेंगे, और जब तक आप लोग खड़े रहेंगे किसी भी प्रकार का कोई समस्या नहीं होगा। और बस कानून अंधा है, आप लोग अंधे नहीं होंगे, मुझे पता है। जय हिंद। देखिए जरा, बिहार में 23 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, 23 मंत्री, इनमें 17 मंत्रियों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। सोचिए, जब मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं तो अपराधी तो ऐसे ही बेखौफ घूमेगा जैसे 30 किलोमीटर गोलियां दागता हुआ घूम रहा है। तेजस्वी यादव की आरजेडी के 17 में से 15 मंत्री दागी हैं, 17 में 15, सिर्फ 2 बचे पाक साफ। अब देखिए एक एक का नाम ले रहा हूं। कार्तिकेय सिंह, अपहरण का मामला दर्ज है इनके ऊपर, कोर्ट ने सरेंडर वारंट भेजा था इनके खिलाफ। बगल में देखिए, शपथ के पोज में ये मंत्री थे, शपथ ली थी, आपको याद होगा। कार्तिकेय ने सरेंडर नहीं किया और शपथ ले ली। नीतीश ने इन्हें कानून मंत्री बना दिया, उसके बाद कहा हमें कुछ पता नहीं था, दबाव पड़ा तो इनसे इस्तीफा लिया गया, इन्हें इस्तीफा देना पड़ा। अगले मंत्री देखिए, सुधाकर सिंह, नीतीश कुमार की सरकार में कृषि मंत्री है, और आरोप देखिए इन पे क्या है, सुधाकर पर ही चावल घोटाले का आरोप है जो कृषि मंत्री। अगला नाम देखिए, सुरेंद्र यादव, नीतीश सरकार में खान मंत्री है और सुरेंद्र यादव पर कई आपराधिक मामले दर्ज है, पिटाई, अपहरण, यौन शोषण के आरोप इनके ऊपर है। जमा खान, अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री बनाया नीतीश ने, इन पर 24 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, इनमें हिंसा और हत्या के प्रयास के मामले भी हैं। सोचिए जरा, मंत्रियों पर जब आपराधिक मामले हैं तो आखिर बिहार में कैसे शांति, सुकून और कानून व्यवस्था कायम होगी? अब जरा सुनिए, जो मंत्री है, जो कृषि मंत्री है, वो खुद कह रहा है, नीतीश का कृषि मंत्री कह रहा है, मैं चोरों का सरदार हूं। नीतीश के गठबंधन सहयोगी जीतन राम मांझी कह रहे हैं, बिहार तो में तो रेप आम बात है, बड़ा शहर है। तो सोचिए ऐसे राज में अपराध रुकेगा कैसे? दोनों को सुनिए सर। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता, तो ये चोरों का हम सरदार हैं, हम सरदार ही ना कहेंगे, जब चोरी हो रहा है तो हम उसके सरदार हुए। यहाँ 12 करोड़ जनसंख्या है, तो 12 करोड़ जनसंख्या में देहात में कहते हैं कि ज्यादा हरिया रहता है, बदना रहता है तो धनधनाता है, उसी प्रकार से आज इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें कुछ बातें होती रहती है। अब सोचिए जरा, नीतीश कुमार को तो दरअसल पीएम बनना है, मोदी को हराना है, इसलिए नीतीश का दिल बिहार में कम लग रहा है, दिल्ली में दिल ज्यादा लग रहा है। देखिए जरा, नीतीश कुमार पिछले दिनों दिल्ली आए थे बिहार छोड़कर, राहुल गांधी से मिल रहे थे, कितने तारीख को, 5 सितंबर को नीतीश कुमार दिल्ली में थे, तो 5 सितंबर को देखिए क्या हो रहा था, मधेपुरा में पुलिस टीम पर हमला हो गया, नीतीश दिल्ली में राहुल से मिल रहे थे, अतिक्रमण हटाने गई थी पुलिस, तब यह हमला हुआ, लेकिन नीतीश तो दिल्ली में थे। नीतीश 6 सितंबर को मुलायम सिंह यादव और अरविंद केजरीवाल से मिल रहे थे दिल्ली में, और पटना में क्या हो रहा था, पटना में डबल मर्डर हो गया, पटना से सटे वैशाली में दरोगा पर हमला हो गया, नीतीश कुमार तो दिल्ली में थे। पटना में खनन इंस्पेक्टर को धमकी दी गई बाकायदा। 7 सितंबर को शरद पवार से मिल रहे थे, दिल्ली में थे। बिहार में क्या हो रहा था, सीवान में पुलिस पर हमला हो रहा था 7 सितंबर को, पेट्रोलिंग पार्टी पर अपराधियों ने फायरिंग कर दी थी 7 सितंबर को, एक सिपाही की मौत हो गई, लेकिन नीतीश कुमार जब पीके से मिल रहे थे, यानी बीती रात 13 तारीख को, तो बेगूसराय में जबरदस्त गोलीबारी हो रही थी, 30 किलोमीटर तक अपराधियों ने 12 लोगों को गोली मार दी थी, लेकिन नीतीश उस वक्त पीएम के सपने को मुकम्मल करने की कोशिशों में लगे। एक युवक की मौत भी हो गई और अपराधी फरार है इस मामले में। तो सवाल बुनियादी है, नीतीश को तो पीएम बनना है, दिल्ली आना है, सबको जोड़ना है, बिहार लेकिन बेहाल है, लेकिन शपथ नीतीश को अपनी याद रखनी चाहिए। ये रिपोर्ट देखिए जरा। चौबीस होगा तो 24 कर्म हो जाएंगे और भ्रम टूट जाएगा। ये आरजेडी के आते ये माहौल ऐसा क्यों बदल गया? आप अब जनता के लायक नहीं रहे, मुखौटा मुख्यमंत्री बन के रह गए हैं, असली मुख्यमंत्री कोई और। वहाँ पे एक स्क्रीन वाला को मारा, उसके बाद इसको मार रहा था, फल फल वाला को। 50 वर्ष के लाइफ में अपना बेगूसराय में फर्स्ट घटना है कि इतना 30 किलोमीटर के रेंज में घटा। लेकिन ईश्वर की शपथ लेकर भी जो जनता की रक्षा न कर पाए उसे नीतीश की सरकार कहते हैं। जो कर्तव्यों के श्रद्धापूर्ण और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन न कर पाए उसे ही महागठबंधन की सरकार कहते हैं। सत्ता में आने के एक महीने के भीतर
नीतीश और तेजस्वी की सरकार का चाल, चरित्र और चेहरा उजागर हो गया। नीतीश की शपथ के अगले दिन से ही बिहार में अपराधियों का ऐसा तांडव शुरू हुआ, कि सब हैरान। लेकिन नीतीश कुमार इसे जनता राज बता रहे हैं। खुद सुनिए सुशासन बाबू क्या कह रहे हैं। यहाँ पर कहीं कोई घटना घट गई तो आप जरा बता दीजिए, तो दुनिया में कोई देश है, इस देश में कोई राज्य है जहाँ पर कोई झंझट आपस में नहीं करता? जंगल राज चल रहा है, जनता राज चल रहा है, समझ गए ना? नीतीश ने ये बयान 3 दिन पहले दिए थे। जनता का तो पता नहीं, लेकिन अपराध और जंगल वाला राज जरूर आ गया है। और प्रधानमंत्री बनने की चाहत में नीतीश कुमार इस कदर आंखें मूंदे बैठे हैं कि उन्हें अब अपराध भी सरकार के खिलाफ एक साजिश लगने लगा है। क्या लगता है इसमें साजिश है क्या, कोई किसी तरह का जान? निश्चित कुछ न कुछ, हमने तो कहा पूरा पता करिए, जरूर झंझट साजिश हो सकती है। अब देखिए तो पता ही करना है। तो नीतीश कुमार को ये साजिश लग रही है, ये नहीं लग रहा है कि उनके राज में अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं, क्योंकि कैबिनेट में ही वही बैठे हैं जिन पर आपराधिक मुकदमे। नीतीश कुमार लेकिन पीके से मिल रहे थे, उन पीके से जो पीके नीतीश कुमार को न जाने क्या क्या कहकर कोस चुके हैं। ये बोल चुके हैं पलटू राम है, ये बोल चुके हैं 180 डिग्री फिर घूम जाएंगे। उनसे कल उन्होंने मुलाकात की, जरा सुनिए। तो उनको पता है, कुछ एबीसी मालूम है 2005 से क्या काम हुआ है? हाँ, ये लोग को मालूम है, अपना पब्लिसिटी लेने का, स्टेटमेंट देने का और कहने का, ये सब का एक्सपर्ट है, वही सब अंडरमंड बोलते रहता है। कोई मतलब है क्या कि बेबी कॉल वालों को एक ब्रांड एम्बेसडर हम नीतीश कुमार को बना लेना चाहिए? इससे बेहतर कोई उपाय नहीं है। अपना कुर्सी पर बेबी कॉल लगाकर चिपके हुए हैं, जिसको उलटना है, पलटना है, जो भी करना है। बेबी कॉल के ऑनर्स अगर हमको मिलते, ब्रांड मैनेजर मिलते, तो मैं उनको कहता भैया नीतीश कुमार को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाओ, जन जन में आपकी बात, आपके ब्रांड का भरोसा बढ़ जाएगा। तो बिहार को नीतीश कुमार भगवान भरोसे छोड़ चुके हैं, क्योंकि उनकी नजर बिहार नहीं।